Manipur, and we'll keep a close track on that story. Let's move on to the other focus story this afternoon here on Republic TV. Rahul Gandhi and his party often have made comments which are insensitive, offensive sometimes to the Hindu community. Now, you have to look at the larger picture. You have the Congress party which is almost crawling to get the Muslim vote. You had the Telangana Chief Minister Revanth Reddy, who went to Maharashtra today and asked for votes, saying that they will bring in a Muslim quota like they have done in Telangana. And Hindu unity, which has been advocated by the Prime Minister, he has mocked the Hindu unity call. It's not about Adani. It is not about Adani. It is not about Ambani. It is not about anything else. It's about Hindu unity. Because this was about Hindu unity and Rahul Gandhi has mocked it. Take a listen at what he said. ये जो जमीन है, जो लोग धारावी में रहते हैं, उनकी जमीन है, वो उस पे सालों से रह रहे हैं, वहां पे वो काम करते हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस का हब है, धारावी को कन्वर्ट करने में दूसरी भी इश्यूज हैं, मैंग्रोव्स की जो जमीन है वो छीनी जा रही है, यहां पे बाढ़ आती है, ज्यादा आएगी, लोगों को नुकसान होगा, और पूरा का पूरा काम एक व्यक्ति की मदद करने के लिए है. दैट इज आवर ऑब्जेक्शन. आवर ऑब्जेक्शन इज दैट इट इज अनफेयर. इट इज बीइंग डन. द इंटायर पॉलिटिकल मशीनरी इज बीइंग ट्विस्टेड टू हेल्प वन पर्सन. एंड लेट्स आल्सो टेल यू दैट देयर डिफरेंट रिएक्शंस आर कमिंग इन एंड डिफरेंट political leaders are responding to this. It's not about Adani, it's not about Ambani. Rahul Gandhi, of course, has used the Adani Ambani card for the longest time against the Prime Minister. It's about the Hindu unity call, which was said first by the Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, repeated by the RSS and a few other leaders, who essentially are saying Hindus must vote, or rather stay united, and must stay as one. That was the Hindu unity call. And he's mocked the Hindu unity call by making it about Adani. Take a listen to the different reactions that are coming in. भाई आप बता दीजिए ना, इतने समय से आप लोग, ये लोग सत्ता में थे, लंबे समय तक आजादी के बाद इनकी सरकार रही, क्या किया इन लोगों ने? इन लोगों ने सिर्फ जातीयता के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया, सांप्रदायिकता के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया. जो कांग्रेस, जो अंग्रेजों की नीति थी डिवाइड एंड रूल, उस पॉलिसी को अपनाकर आज तक ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं. कभी अनुसूचित जाति उसको बांटेंगे, कभी ये लोग अनुसूचित जनजाति को बांटेंगे, कभी हिंदू मुस्लिम करेंगे, सिर बांटने की राजनीति विकास के नाम पर. आज भी आजादी के 75 साल, जिसमें अधिकांश समय कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी, इनके पास गिनाने के लिए नहीं है. आज भी उदाहरण है कि अगर बाबा साहब की प्रतिमा अगर भारत की संसद में लगी है, तो वो कांग्रेस जिस सरकार में भारतीय जनता पार्टी थी, वीपी सिंह जी की सरकार, जिसमें मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी श्रम एवं कल्याण मंत्री थे, उस वक्त लगी. आज ये लोग जनजातीय समुदाय की बात करते हैं, बिरसा मुंडा की एक तस्वीर, एक प्रतिमा पार्लियामेंट में नहीं थी. अगर ये लोग इतना ही सबको जोड़ने की बात करते हैं, तो क्यों नहीं समाज के हर वर्ग को आगे लेकर चले? आज मेरे प्रधानमंत्री जी की वजह से समाज के सबसे वंचित वर्ग से आने वाली महिला देश के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठी. ये असली पोस्टर तो ये है. क्या है तिजोरी के अंदर? ये मोटा माल जो गांधी परिवार ने लूटा है, वो है तिजोरी के अंदर. और तिजोरी के बाहर ये एक्यूज नंबर वन और एक्यूज नंबर टू दोनों बेल पे बाहर हैं. और दूसरा पोस्टर है छोटा पोपट कर दी अपनी पार्टी चौपट. और ये छोटा पोपट नामांकन बाला साहेब ठाकरे द्वारा किया गया है. बाला साहेब ठाकरे द्वारा ये नामांकन किया गया है. महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा, भारतवर्ष का हर कोई बाला साहेब ठाकरे जी का सम्मान करता है. ये नया नामांकन है जो कल सोशल मीडिया में हमने देखा है. छोटा पोपट करे पार्टी चौपट, और ये दोनों बेल पे बाहर हैं. दोनों बेल पे बाहर.
ये असली पोस्टर तो ये है, क्या है तिजोरी के अंदर? ये मोटा माल जो गांधी परिवार ने लूटा है वो है तिजोरी के अंदर, और तिजोरी के बाहर ये एक्यूज नंबर वन और एक्यूज नंबर टू दोनों बेल पे बाहर है। और दूसरा पोस्टर है छोटा पोपट कर दी अपनी पार्टी चौपट, और ये छोटा पोपट नामांकन बाला साहेब ठाकरे द्वारा किया गया है। बाला साहेब ठाकरे द्वारा ये नामांकन किया गया है। महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा, भारतवर्ष का हर कोई बाला साहेब ठाकरे जी का सम्मान करता है। ये नया नामांकन है जो कल सोशल मीडिया में हमने देखा है, छोटा पोपट करे पार्टी चौपट, और ये दोनों बेल पे बाहर हैं। There's a new crisis for Arvind Kejriwal. He himself is out on bail, but different